अखिलेश भी अगर यहाँ से लड़ने आए तो क्या सारे पद अखिलेश को चाहिए क्या? क्या सारे पद उनके घर को ही चाहिए क्या? बगल वाली सीट से पत्नी लड़ेगी, वो इधर सीट से पति लड़ेगा, उधर सीट से भाई लड़ेगा, उधर सीट से दूसरा भाई, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने कहा ना अखिलेश जी क्यों नहीं, अखिलेश जी आते चुनाव लड़ते, मैं तो मुला बुला रहा था उनको। चुनाव कौन लड़ेगा फर्क नहीं पड़ता है, चुनाव विचारधाराओं के बीच में। तो अखिलेश यादव आए, इनके घर से परिवार से आए, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि उत्तर प्रदेश के उनको यादव है नहीं लड़ने योग्य क्या? माफियाओं के घर जाते हैं, माफियाओं के घर पे जाकर उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डी भारत पर। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के और सांसद सुब्रत पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहला सवाल शुरू करते हैं कि जो टिकट जो है कन्नौज का समाजवादी पार्टी की ओर से तेज प्रताप यादव को दिया गया है सर, तो अखिलेश यादव नहीं आ रहे हैं, तो इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है? बता रहे हाइप बनाए हुए थे कि अखिलेश यादव आ रहे हैं। नहीं देखो, अखिलेश यादव आए, इनके घर से परिवार से आए, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि उत्तर प्रदेश के उनको यादव है नहीं लड़ने योग्य क्या? कि समाजवादी पार्टी के पास में कन्नौज से तो सैफई से भेजा जाएगा कोई व्यक्ति क्या? कुल मिलाकर यहाँ पर पिछले दिनों तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेता पार्टी छोड़ गए, तो शायद उनके दिमाग में यही बात रही होगी कि यहाँ तो परिवार के अलावा कोई भले ही नहीं होना, कम से कम भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण आदमी मेरे जैसा सांसद बन सकता है, कन्नौज से चुनाव लोकसभा का लड़ सकता है। तो ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल खड़ा होना भी चाहिए। जिस प्रकार के परिवारवाद की राजनीति का अब युग मैं समझता हूँ अब आगे नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया भी आए थे, बता रहे थे कन्नौज में काम तो मैंने किया है, सांसद जी ने क्या किया है, जवाब दें उसका। नहीं देखो, उनको कारनामे उन्होंने किए हैं, उनका कारनामे एक नहीं अनेक थे, उन कारनामों के कारण से ही खामियाजा डिंपल जी को भोगना पड़ा। तो कुल मिलाकर इन्होंने कन्नौज में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज रखा था, तो उसको नाम बदल दिया, उसके लगा वो बोर्ड को अपमानित किया। तो कुल मिलाकर इनके बहुत से कारनामे थे, लूट हत्या अपहरण बलात्कार, एक लंबी श्रृंखला थी किस प्रकार की, दबंगई माफियाई सांप्रदायिकता, तो ये सब इसका एक नंगा नाच यहाँ के ऊपर था। तो कुल मिलाकर लोगों ने देखा था आतंक का जो जिस प्रकार से एक साए में लोग रहते थे, तो लोगों को घर से निकलने में डर लगता था, व्यापारी सुरक्षित घर लौटाए बड़ी बात थी, तो ये सारा एक बड़ा विषय था। तो ये जो गुंडागर्दी माफियावाद ये सब इसके समापन हुआ है। अभी कल पीडीएम जो तीसरा मोर्चा बना है उसके एक जो टिकट कन्नौज से दी गई थी उसने टिकट वापस करके वो समाजवादी पार्टी का असर जो है साथ देगा। हाँ तो ठीक तो है, देखो कुल मिलाकर ये सब जानते हैं कि यहाँ के ऊपर लड़ ही नहीं सकते चुनाव, तो कुल मिलाकर वो चुनाव को उसको टिकट कैसे मिली, किसने टिकट दी तो वो जाने, और ये आकर इनकी सबकी सोच जो है वो सोच जाहिर होती है। अखिलेश यादव तो लड़े नहीं, तेज प्रताप लड़े हैं कट? नहीं देखो, कौन आता है कौन नहीं जाता, देखो स्वाभाविक है लोगों को चोट तो होगी। भाई अखिलेश भी अगर यहाँ से लड़ने आए तो क्या सारे पद अखिलेश को चाहिए क्या? क्या सारे पद उनके घर को ही चाहिए क्या? बगल वाली सीट से पत्नी लड़ेगी, वो इधर सीट से पति लड़ेगा, उधर सीट से भाई लड़ेगा, उधर सीट से दूसरा भाई, जहाँ से भी यादव लड़ सकता है परिवार का ही लड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये विषय नहीं है, तो स्वाभाविक है लोगों को ये तो लगेगा वो कब लड़ेंगे चुनाव। वो तमाम आदमी होता है, हम भी राजनीति में, तो मेरी महत्वाकांक्षा है तो महत्वाकांक्षा ठीक है, हम बने ना बने अलग विषय होता है, लेकिन कम से कम भाजपा में बन तो सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, कम से कम सोच तो सकते हैं बनने के लिए, वहाँ तो सोच भी नहीं सकते, वहाँ तो सपना पर ही प्रतिबंध है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा एक कारण है कि जो लोग जो स्वच्छ राजनीति कर रहे हैं और जिनकी अपनी महत्वाकांक्षा है और जो किसी की गुलामी नहीं करते, वो समाजवादी पार्टी में उनके लिए कोई स्थान नहीं। जैसे तीन नेता आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, संजू कटियार, दिनेश यादव और एक धर्मेंद्र यादव। अच्छा, संजू कटियार अगर जब सपा में थे तो क्या कभी लोकसभा का चुनाव कन्नौज से लड़ सकते थे क्या? तो वहाँ तो कोई परिवार से ही भेजा जाता तेजू के तरीके से। आज भारतीय जनता पार्टी में कल को हमें टिकट नहीं मिलेगी, संजू को भी मिल सकती है, कौन देख के आया यहाँ के ऊपर? भाजपा में कम से कम गुंजाइश तो गुंजाइश ही मर गई है। कितने दमदार नेता हैं तेज प्रताप आ रहे हैं आपके सामने? देखो कोई दमदार कौन होता है, देखो हमने के चुनाव विचारों के बीच में होता है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने कहा ना अखिलेश जी क्यों नहीं, अखिलेश जी आते चुनाव लड़ते, मैं तो मुला बुला रहा था उनको। चुनाव कौन लड़ेगा फर्क नहीं पड़ता है, चुनाव विचारधाराओं के बीच में, एक विचारधारा राष्ट्रवादी जो हमारी, एक विचारा सांप्रदायिक जो उनकी है, तभी तो माफियाओं के घर जाते हैं, माफियाओं के घर पर जाकर उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं, चले जाते ये तमाम गरीब जिन्होंने जिनको इन माफियाओं ने मार दिया, नहीं गए कभी उनके घर पे, इनकी ही जाति के कितने लोग दंगे में इसने मुख्तार अंसारी ने मार दिए थे, चले जाते उनके घरों पर, नहीं गए उनके घर पर, माफिया के जाने से वोट मिल जाएगा। तो
तो ये इस प्रकार की राजनीति करने वाले घोर सांप्रदायिक लोग हैं, आतंकवाद के समर्थक लोग हैं, इनको जनता पहचान चुकी है। ठीक है, तो ये थे सांसद सुब्रत पाठक जो हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी कन्नौज से फिर समाजवादी पार्टी को हराने जा रही है। इस दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डी भारत। नमस्कार।